कुछ नहीं मेरे को ऐसे दिख मतलब थोड़ा सा इधर इंपॉर्टेंट नहीं है पर फिर भी थोड़ी हवा चलने लगी ठंड होगी। ये है रोहित सिंह भाव, ही इज अ म्यूजिशियन। आप इन्हें हमारे पिछले एपिसोड में तो मिले ही होंगे, इन्होंने मैयत पे बजाया था। मैंने मैयत पे बजाया बैंगलोर क्लब में 2000 रुपए के लिए। आई नीड मनी। तो कोई टीचर वीचर नहीं आई होगी तो सारी लड़कियां आ गई म्यूजिक रूम में। अब मैं वहाँ गिटार बजा रहा हूँ, मैंने देखा वाओ रोहित गिटार बजा रहे तो एक केरा बना लिया। तो एक बड़ी अच्छी आर्टिस्ट है जिनके साथ मैंने बीच में काम भी किया है, आशा केसर जी, बहुत ब्यूटीफुल बाग सिंगर। एक्चुअली क्या हुआ, डोगरी आर्टिस्ट ना रिकॉर्डिंग आर्टिस्ट बड़े कम रहे हैं जो रिकॉर्ड कर पाए अपने एट अ वेरी गुड लेवल। डोगरी डांस भी खतरनाक होता है, डांस ही बढ़िया होता है। ये शुरू हो जाते हैं भाई, बढ़िया तो है यार। दिस आर्टिस्ट आई कीप कमिंग बैक टू, वष्टि बनियन। शी मेड अ कमबैक इन 2004 or 3 or 4 आफ्टर 30 इयर्स। म्यूजिक, यू नेवर नो विद म्यूजिक यार, लोगों को पसंद है आपका म्यूजिक बस जब पहुंच जाए सही जगह पे। बाय द वे लैंड से सिर्फ सॉन्ग्स ट्रांसफर नहीं होते, सन्नी देओल के फोल्डर के अंदर सन्नी देओल। आई हैव प्लेड विदाउट मॉनिटर्स फॉर सच अ लॉन्ग टाइम कि मुझे अपनी साउंड नहीं आ रही, ऑडियंस को आ रही है, फिर भी प्रेडिक्शन करके हम बजा रहे हैं। ठीक ही बज रहा होगा, कोई गल नहीं, वो पीती होनी, कोई पता भी नहीं लगा था। चेक चेक तो चलिए इन बातों को जारी रखते हैं ट्राइपॉड टॉकीज के दूसरे एपिसोड में। जब कोई स्कूल में गिटार बजाता है तो थोड़ा फेमस तो हो ही जाता है, और कुछ लड़कियों की कमी तो नहीं रहती यार। लाइक हर लौंडे का सपना होता है कि मैं गिटार बजाना सीखूंगा। देखो ये मेरा कभी ड्राइविंग मोटिव नहीं था कि बंदियां पटानी, एक एडेड एडवांटेज। यू कुड सेव दैट। क्या हुआ था, जब म्यूजिक पीरियड होता था लड़कियां सारी चली जाती थी डांस में, जो कांडी बॉयज होते हैं क्लास को जाते हैं बैंड प्रैक्टिस के लिए, और जो बाकी होते हैं वो म्यूजिक में जाते थे। तो एक बार डांस रूम बंद था, तो कोई टीचर वीचर नहीं आई होगी तो सारी लड़कियां आ गई म्यूजिक रूम में। अब मैं वहाँ गिटार बजा रहा हूँ, मैंने देखा वाओ रोहित गिटार बजा रहे तो एक केरा बना लिया, केरा पै गया। और एक लड़की साथ में बैठी है, वो उसकी सारी दोस्तों से छेड़ हुई है, कहते रोहित तू यहाँ क्या, उसके घर जाके बजा। तो बाकी लड़के देख रहे हैं यार ये क्या कर रहे हैं, क्राई नहीं, वो भी हम भी सीखेंगे गिटार। यार एक ना बड़ी फनी चीज लगती है मुझे, लोग कोई मेरे को गिटार के साथ देखता है ट्रैवल करते, कहते मुझे फोटो खिंचानी है, और वो उस तरीके से पकड़ेंगे कि सामने बंदा दिख रहा है तुझको गिटार बजाने नहीं, ऐसे 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 करके और एक टांग पीछे। उन्हें लगा कि दैट विल गेट देम गर्ल्स। कुछ डोगरी आर्टिस्ट जो है, इफ यू नो अबाउट सम और लाइक यू फॉलो समवन एंड जिनकी मेलोडी जस्ट म्यूजिक यू माइट हैव। तो एक बड़ी अच्छी आर्टिस्ट है जिनके साथ मैंने बीच में काम भी किया है, आशा केसर जी, बहुत ब्यूटीफुल बाग सिंगर। दिस इज अ लॉट ऑफ फोक आर्टिस्ट दैट आई रिस्पेक्ट, पद्मभूषण जी वगैरह ये सब। एंड ऐसे कारखें भी चलती हैं घर पे ना, भजन वगैरह चलते रहते थे, पाक गीतड़ू कार, आई लव लिसनिंग टू इट, स्पेशली जब शहर से बाहर होते, घर से बाहर होते हो, पाक वगैरह सुनो, बड़ा मजा आता सुनने में। देखो मॉडर्न सीन में ऐसे कोई डोगी आर्टिस्ट मुझे इंस्पायर कर रहा है, वो थोड़ा यू नो उसका नंबर भी बड़ा कम है, तो वहाँ मुझे थोड़ा गैप लगा जहाँ पे एक्चुअली मैंने काम करना शुरू किया। बट सुनने को आए, इंस्पिरेशन को आए, देयर हैज बीन सो मेनी गुड आर्टिस्ट इन जम्मू, और हमारा जो फोक म्यूजिक इटसेल्फ इट्स सो ब्यूटीफुल, इतना प्योर साउंड करता है, इतना डिफरेंट साउंड, इतना यूनिक साउंड करता है। आर्टिस्ट मैं बताऊं तो लता मंगेशकर की जो उनकी 70s की एल्बम है जिसमें पल अशफा या डोगरिया गाया हुआ है, आपका तू मल्ला तू गाया हुआ है, वो भी बड़ी ब्यूटीफुल एल्बम है। एक्चुअली क्या हुआ है, डोगरी आर्टिस्ट ना रिकॉर्डिंग आर्टिस्ट बड़े कम रहे हैं जो रिकॉर्ड कर पाए अपने एट अ वेरी गुड लेवल। It's mostly live yes. recordings and very very scarce recordings we have क्या कहते हैं for Dogri music. वैसे नहीं कि पंजाबी जैसे हम गाने सुनते थे, हमारे पास बहुत सारा रेफरेंस म्यूजिक डोगरी में बड़ा कम था। It's only live that you get to. मेरे साले की वेडिंग हुई अभी, तो उनके वहाँ पे ये लोग ने वेडिंग के टाइम पे आर्टिस्ट बुलाए हुए थे डोगरी, मतलब अच्छा। वो परफॉर्म कर रहे थे घर पे आके, फुल पावर, मजा तो आता ही है यार डोगरी सुनने में, डोगरी गीत वगैरह, डोगरी डांस भी खतरनाक, डांस डांस ही बढ़िया होता है। ये शुरू हो जाए बढ़िया तो है यार। डू यू थिंक रॉक म्यूजिक विल कम बैक? म्यूजिक इज एवर इवॉल्विंग, आप कभी नहीं कह सकते एक ही म्यूजिक हमेशा, उसकी भी ऑडियंस है, मतलब ऑडियंस अभी भी है। There are wonderful artists doing wonderful things right now in rock itself. बहुत ज़्यादा saturation हो चुकी है rock music की. We have done mostly everything we can do with that sound.
म्यूजिक एक्चुअली म्यूजिक हैज दिस थिंग ना जैसे इवॉल्व हुआ है 50s का एक 60s का एक 70s रॉक स्टेट 70s 80s 90s में आना स्टार्ट हुआ उसका बिल्कुल देन इलेक्ट्रॉनिक म्यूजिक को भी आप एक ना लिविंग ऑर्गेनिज्म की तरह मानो व्हिच लिव्स ब्रीथ्स एंड इवॉल्व्स तो म्यूजिक भी नेचुरली इवॉल्व करेगा हमारे साथ द काइंड ऑफ म्यूजिक वी आर गोइंग टू कंज्यूम नाउ इज गोइंग टू डिफर फ्रॉम द काइंड ऑफ म्यूजिक वी आर गोइंग टू कंज्यूम इन द फ्यूचर हम सेम रहेंगे तो हम इवॉल्व नहीं हो रहे क्योंकि हमारा आर्ट हमारा एक्सप्रेशन भी इवॉल्व होता है You can take example of this artist called Radiohead. Okay, Radiohead used to be into rock. Okay, starting with rock grunge album nikali, then they went into alternative rock and all. After a while, जब उन्होंने अपनी उस sound से सब कुछ कर दिया, straight up उन्होंने एक electronic album डाल दी. Kidde. Last album was OK Computer, जिसमें rock walk पूरी guitars बज रही हैं. Kidde में drum kit गायब होगी, आगे synthesizer and all. That was a very bold move. पर उनकी भी गलती नहीं है ना. उनको naturally feel हुआ कि मेरा ग्रैंड कोरसेस के साथ शुरू हुआ था फिर वी वाले वीडा पे आए इलेक्ट्रॉनिक साउंड फिर माइलो ज़ाइलोटो पे आए और भी इलेक्ट्रॉनिक साउंड उसके बाद देखो वो मैजिक एंड ऑल कोल्डप्ले आई थिंक दे आर द मोस्ट पॉजिटिव म्यूजिक आउट देयर दैट इज आल्सो माय बीफ विद देम ठीक है आई नो लाइफ इतनी खुश नहीं है आई नो शट द मैच शट द हेल योर माउथ तभी रेडियोहेड और कोल्डप्ले का साथ साथ रेडियोहेड डिप्रेस कर देता है कोल्डप्ले उठा देता है एक क्वेश्चन है किस किस ने अपने बैग के पीछे एलपी लिखा था मैंने पेज बनाया था और कुछ याद है हां बिल्कुल बिल्कुल मैंने याद है पेज बनाया था बैक स्ट्रीट बॉयज वर्सेस लिंकिंग पार्क आई लाइक व्हाट डू यू लाइक यार मैं क्या बोलूं देखो दैट्स अ वेरी वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन देखो दोनों पार्ट ऑफ आवर चाइल्डहुड है एग्जैक्टली या नहीं नहीं ये कंट्रोवर्शियल जवाब होगा ये पॉडकास्ट बंद करवाओगे ठीक है Thinking like both of them have given tracks that have been so iconic. Like if you talk about Backstreet Boys, ठीक है तो उन्होंने इतने सही track दिए. One was even the ringtone of Nokia. Remember which song was that? We are quit playing games with that. Right. Nokia में ringtone होता था. Victor होती थी. Bro, it was the ringtone. That was the very first memory of me here getting to know English songs. आप हमारे बाप दादा की उम्र के हो आफ्टर दैट आई डिस्कवर लाइक एकॉन स्नूप डॉग एंड लाइक दीज आर आइकॉनिक ऑल द क्लासिक आइकॉनिक सिंगर्स एंड गॉट एक्सपोजर विद इंग्लिश सॉन्ग्स वेरी मेलोडिक very melodic very humble music matlab sing song aap yaad rakhte ho uske lyrics itne powerful itne not very complex sentences not very complex rhymes very simplistic taki common banda bhi relate kar sake so that was our introduction and exposure to english music western music main ye nahi keh raha ki language ki wajah se but the kind of music explorations they were doing and I think we quit playing games is like so simple quit playing games with my heart bluetooth was coming in the place And Bluetooth मुझे याद है वो छोटा सा एक मिनी ट्राइपॉड सा वो ट्राइपॉड क्या वो कुछ तो ऐसे प्लेयर्स आता है जिसमें वॉकी टॉकी जिसे कहते हैं वॉकी टॉकी नहीं वॉकमैन हां सॉरी वॉकमैन सॉरी अरे आई इवन रिमेंबर हैविंग अ कैसेट वाला वॉकमैन कैसेट डाल के वो ला भी वो तो इधर ऐसा इधर लटका के आई रिमेंबर दैट भाई पिकनिक अंदर से जाता था फायर उल्टी पे ऐसा निकाल के हां भाई कूल भाई डाल नाउ माय ब्रदर वाज इन कॉलेज श्रीनगर तो लैंड नेटवर्क होता है तो सब स्टूडेंट्स शेयर करते हैं तो वो ना एक सीडी में कुछ गाने लेके आए थे और उसमें ये सब गाने थे तो मुझे पहली बार उससे बैक स्ट्रीट बॉयज और लिंकिन पार्क और ये सब सुना था बाय द वे लैंड से सिर्फ सॉन्ग्स ट्रांसफर नहीं होते देखो वो भाई ने आई थिंक वो फोल्डर छुपाया वो फोल्डर के अंदर वो ना सनी देओल के फोल्डर के अंदर बॉडी देओल तो कौन से आर्टिस्ट लाइक व्हिच आर द आर्टिस्ट यू फॉलो दिस दिस आर्टिस्ट आई कीप कमिंग बैक टू वष्टि बनियन अरे उसकी जर्नी इतनी इनसेन है शी स्टार्टेड आउट इन 60s ठीक है उसने एल्बम रिलीज की इट डिड नॉट वर्क आउट ब्यूटीफुल एल्बम धीरे-धीरे शी क्विट म्यूजिक
1970 में छोड़ दिया म्यूजिक उसने. 30 साल तक उसने म्यूजिक नहीं किया. शी बिकेम आई थिंक हाउसवाइफ एंड ऑल, शी रेज हर किड्स एंड ऑल. अचानक शी स्टार्टेड गेनिंग दिस कल्ट फॉलोइंग, पीपल स्टार्टेड लविंग हर म्यूजिक. इतनी ब्यूटीफुल एल्बम, इतनी ब्यूटीफुल गाने उसके. शी मेड अ कमबैक इन 2004 or 2003 or 2004 आफ्टर 30 years. म्यूजिक, यू नेवर नो विद म्यूजिक यार, लोगों को पसंद है आपका म्यूजिक, बस जब पहुंच जाए सही जगह पे. Maybe it is ahead of it. It was ahead of, अभी भी आप सुनोगे ना, there's no music like that. So what kind of music it is? Yeah, it's I think very heavily influenced by English folk music. Okay, she, I think she lives in the countryside only. जो आपके गाने हैं उसमें like what do you try to communicate, like lyrics wise या music wise, feel कैसे आनी चाहिए audience को, वो क्या? यार एक मेरे को ना songwriting में एक चीज समझ आई है, मतलब धीरे धीरे realization होती है कि you have to create an experience. आप एक experience बनाते हो audience के लिए, तो वो ऑडियंस को ज़्यादा वो रिलेट कर पाते हैं गाने के साथ, वो आपकी दुनिया में घुसते हैं. अगर सरफेस लेवल पे गाना सुनाओगे ना, दे कैन नेवर यू नो गेट टू नो यू प्रॉपरली. जैसे हमने गन्स एंड रोज़ेस सुना, हम पूरा घुसी गए उसमें, सारे गाने सुन बैठे. रेडियो सुना, सारे गाने सुन बैठे. बैक स्ट्रीट बॉयज़ सारे सुन बैठे. मखीर सुना, सारे गाने सुन बैठे. कभी कभी मन करता है लिरिक्स के थ्रू बयान करें, कभी मन करता है सिर्फ म्यूजिक के थ्रू करें, इलेक्ट्रॉनिक म्यूजिक के थ्रू, कभी मन करता है गिटार के थ्रू करें. वही बात है, एक्सपीरियंस क्रिएट करना है. मेरे को दिखाना है कि अभी मेरा क्या फेस चल रहा है, मैं कौन हूँ इस वक्त पे, आप ये चीज सुनो. वन ऑफ योर एल्बम्स आ जाता लाइक उसमें व्हाट इज इट एक्सप्रेसिंग? डार्केस्ट एक्सप्रेशन, एक पॉजिटिव एक्सप्रेशन, एक बकचोद एक्सप्रेशन ऑन केली. It was all a part of me. I could feel like कि मतलब उस गाने उस एल्बम के थ्रू मैं अपने आप को दिखा पाया, कि लोगों ने सुनी भी आदत है, कहते हैं हाँ भाई ये तू लग रहा है, बहू ने कुछ बनाया है, जम्मू से कुछ आया है अभी. इट्स मेड मी सिक्योर विद माई ओन साउंड, इट्स मेड मी ट्रस्ट माई सेल्फ कि हाँ एक एक्सपीरियंस क्रिएट कर पाया. क्योंकि सिंगल्स और एल्बम में यही फर्क है. सिंगल में लोग आपको सर्फेस लेवल पर जाते हैं, एल्बम में वो आपकी दुनिया में आते हैं. चार लोगों के सामने परफॉर्म करना और स्टेज पे परफॉर्म करने में बड़ा फर्क होता है. तो वो ड्राइव कहाँ से आती है आपको, लाइक वेयर डू यू गेट इट? एकदम घुसते हैं भाई. I feel like अगर आप स्टेज पे ना बड़े कॉन्शियस हो जाओगे ना, there's a lot of things to get worried about. ठीक है, there's people watching you, there's lights, there's a massive speaker behind you, in front of you. So there's so many things that can scare you or can make you nervous. ठीक है, उस टाइम पे अगर आप नहीं जाते जोन में, तो परफॉर्मेंस भी ऐसे दिख जाएगी कि आप डगमगा रहे हो. एंड आई ऑलवेज प्रेफर यू नो प्लेइंग फॉर इंटीमेट गैदरिंग्स रादर देन बिगर स्टेजेस. पीपल आर इंटेंटली लिसनिंग टू यू. बड़ी बड़ी स्टेजेस में इट्स दिस सो मेनी डिस्ट्रैक्शंस, बट जब इंटीमेट गैदरिंग में हो वो कहाँ एस्केप होंगे, वो आपके म्यूजिक में ही बैठे हैं. अगर गंदा सुनाओगे गंदा म्यूजिक सुनेंगे, अच्छा सुनाओगे अच्छा सुनेंगे. एंड कोई ऐसी ऐसी जगह जहाँ पे बस हो गई, मतलब इट वाजंट द बेस्ट सिनेरियो टू प्ले, बट बड़े सारे हुए हैं चोल. बड़ी बार साउंड की प्रॉब्लम होती थी. आई हैव सीन इट ऑल. I've played without monitors for such a long time कि मुझे अपनी साउंड नहीं आ रही, ऑडियंस को आ रही है, फिर भी प्रेडिक्शन करके हम बजा रहे हैं ठीक ही बज रहा हो कोई गल तो पीती होनी कोई पता भी नहीं लगा. एक बार स्टेज पे क्या हुआ, सिटी स्क्वायर प्ले कर रहे हैं. सिटी स्क्वायर यूज टू बी अ वेरी प्रोमिनेंट मॉल इन जम्मू. तो हम प्ले कर रहे हैं, ओएसिस का गाना प्ले कर रहे हैं, सिगरेट्स एंड अल्कोहल, मस्ट रॉक एंड रोल गाना. वहां पे अंकल आ जाते स्टेज पे दारू पकड़ के, ऐसे ऐसे आई किड यू नॉट, वहां रॉक एंड रोल बज रहे, अंकल आके ये कर रहे, ठुमके मार रहे हैं. ओ भाई, एटलीस्ट फॉर हाफ द सॉन्ग ही वाज देयर. मतलब हर म्यूजिशियन ने ये भी एक्सपीरियंस किया कि कोई ड्रंक बंदा आके कोई अंकल एम्बैरेसिंग चीज कर रहा है वहां पे. वी प्लेड अलोंग, करो करो डांसो भाई, डांसो खुल डांसो डांसो. आजकल भाई म्यूजिक में ये चीज बहुत मिसिंग लगती है. वो मतलब मैं एक सॉन्ग सुनूंगा, 3 महीने के बाद वो मेरी बस हो गई होती है सॉन्ग पे. वो कमिंग बैक टू वाली फीलिंग बहुत कम, बहुत कम गाने पे. पिंक फ्लॉयड जितना भी सुनो वापस सुनोगे आप. ट्रांजिशन हुआ है वर्स, मतलब ये जो छोटा कर देने का म्यूजिक, पहले एक एक्सपीरियंस लंबा होगा. आई डोंट एक्सपीरियंस, आई डोंट लाइक दैट कर दिया हुआ है. अभी हमारा स्पैन, अटेंशन स्पैन भी कम हो गया ना. गाने छोटे कर रहे हो, अटेंशन स्पैन कम हो रहा है. अटेंशन स्पैन कम हो रहा है तो गाने छोटे करने पड़ रहे हैं. विशेष साइकिल है, चले. आई थिंक इट्स मोर अबाउट लाइक व्हाट काइंड ऑफ पीपल यू आर रीचिंग आउट टू. बिकॉज़ मेरे साथ बहुत ऐसा होता है, लाइक आई हैव हर्ड सम सॉन्ग ऑन लीक, मतलब उसका हुक बहुत सही था. इफ आई लाइक द सॉन्ग, द सॉन्ग गोना बी इन माय प्लेलिस्ट फॉर 3 मंथ्स स्ट्रेट. बट यार क्या चक्कर है, आप एक तो पहली बात कि आप वही ऑडियंस डिजर्व करते हो जो आपका गाना सुनना चाहते. आपके गाने को समझेगी, अप्रिशिएट करेगी और मतलब पेशेंस रखेगी आपकी म्यूजिक के साथ. आप क्यों किसी को सुनाना चाहते हो जिसको पेशेंस नहीं है सुनने की? तो बड़ी बार हम ये भी हिट एंड मिस करते हैं कि यार मेरी ऑडियंस बड़ी की नहीं हो रही. यार अभी तेरी ऑडियंस, तेरी नीश ऑडियंस है, अभी इतने लोगों को ही ये रिलेटेबल लग रही है. कॉन्टेंट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन गेटिंग अ सॉन्ग वायरल.
But it's also about like what kind of content has been creating on it. I've been, you know, reaching to a lot of audience now through my content. और content भी मैंने यार ऐसा लगा है, ऐसा रखा है जो I like creating. आपको ना audience को सिर्फ music सुनाओगे ना, अभी के दौर में it feels like you have a very boring personality. और लोगों को ना attention spans low है, जल्दी जल्दी consume करके instant gratification चाहिए, तो पके बैठे हैं, उनको थोड़ा stress relief भी चाहिए, amusement चाहिए, ठीक है? That's the thing, like not their fault, not their fault. It's what to not use it would be like, अरे ये सामने गाड़ी पड़ी है, but मैं पैदल चल के जाऊँ. बनाओ content, अगर यार naturally आ रहा तो बनाओ. जबरदस्ती नहीं बनाओ. How you make it is on you. On you. There is an audience for everyone almost. वो grow होगी नहीं होगी, that is it. If you like it, औरों को भी पसंद आएगा यार. मतलब बनाओ मजे से बनाओ. ये सेम प्रेशर हम इसके ऊपर लेंगे, ये सीरीज भी और अच्छे से बनेगी, ये ना छूट जाए. नहीं नहीं बिल्कुल बिल्कुल अच्छी बनेगी, क्योंकि हमने बहुत टाइम से, एंड थैंक यू फॉर लाइक यू जॉइंड अस. नहीं नहीं बिल्कुल बिल्कुल. अरे मेरा भी मन था थोड़ा बच्चों बात करने का, तो सेम सेंसिबल भी हुई है. नहीं बिल्कुल, देखो बातें क्या होती है, हर जगह फटती है, हर जगह ट्रिप होती है, बातों की, ठीक है? हम सेंसलेस भी करेंगे, हम सेंसफुल सेंसिबल सेंसिबल सेंसे सेंसे नारुतो. अगर आपने ये एपिसोड पूरा देख लिया है, देन थैंक यू फॉर योर सपोर्ट, cuz वी रियली नीड इट एंड वी नीड स्पॉन्सर्स टू. बट ये बातें जारी रहेंगी in Tribal Talkies episode 3. Thank you for watching.